नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। और 2019 का हो या तो मेरी साल के आखिरी वीडियो में आ गए हम लोग। आखिरी वीडियो होगा हमारा और अब मुलाकात आप लोगों से अगले साल होगी, नेक्स्ट साल में मुलाकात होगी। आज का जो गेम प्ले वो हमारे क्रिकेट यूनिवर्सल चैंपियनशिप का ही है और राउंड 3 की शुरुआत जैसा हुई थी कल के दिन सनराइजर्स के साथ हमको एक बार फिर हार मिली 497 रनों की। लेकिन आज हम पेशावर जालमी बनकर ट्राइडेंट्स को हराने की कोशिश करेंगे। हैट्रिक का मौका है पेशावर के पास, अगर ले लेती है तो दूसरी टीम होगी मेलबर्न के बाद जो हैट्रिक की जीत हासिल करेगी। दोनों टीमें तैयार हो रही है, बैटिंग ऑर्डर हम चेंज करेंगे और फिर यहां पर मैच की शुरुआत करेंगे। दोनों टीमें तैयार और दोनों के पास बराबरी का मौका है मेरे ख्याल से। क्या पेशावर ऑलरेडी टॉप 4 में है और यहाँ पे नंबर 7 पे खेल रही है ट्राइडेंट्स, तो मौका तो है यहाँ पर कि टॉप 4 में एंट्री ले ले। जो जीतेगा वो अपनी जगह पक्की करेगा। पेशावर शायद तब भी रहेगी हार के बावजूद, लेकिन जीतना चाहेगी आज के दिन। कप्तान यहाँ पर है किरण पोलार्ड, वहां पे दूसरी तरफ है जेसन होल्डर, दोनों बड़े नाम। दोनों प्लेयर्स ने अपने अपने देशों को लीड कर चुके हैं। किरण पोलार्ड अभी भी कर रहे हैं और जेसन होल्डर ने वेस्टइंडीज को लीड किया हुआ है और आज यहाँ पर अपनी लीग की टीमों को लीड कर रहे हैं। यहाँ पर बारबाडोस ट्राइडेंट्स ने मैच नहीं टॉस जीता है और इस ग्रासी और डस्टी पिच पर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। हमें गेंदबाजी करनी होगी। अब कल के मैच के एक्सपीरियंस के बाद आज हम आसानी से नहीं लेंगे मैच को। लेकिन ये क्या, गेंद अलग कलर की है, दिख भी नहीं रही, पीले कलर की गेंद पहली बार आई है और बाउंसर के साथ स्वागत किया है और अभी के लिए बाउंड्री। इस बार इनस्विंग कराएंगे गेंद और वही के वही रहेगी, स्टंप के अंदर जा तो रही है लेकिन रन चुरा लिया है। यहाँ पे येल्लो फीवर चलता हुआ इस वक्त। पहली गेंद एफर्ट गेंद है, बहुत ज्यादा वाइड डाली है। यहाँ पर देखना होगा एम्पायर जी, हाँ एक्स्ट्रा रन मिलेगा। इस बार गए ऑपरेट के साथ, ये गेंद भी इन्होंने रखी है बहुत दूर। स्टैंडर्ड गेंद एक बहुत नजदीक, बहुत नजदीक का रिकॉर्ड तो बढ़िया है बल्लेबाज का, लेकिन पहली गेंद पैरों पर जाके लगी है। बड़े शॉट की कोशिश पर फिर से वही, यहाँ पर बड़े शॉट की नहीं एक्चुअली बाउंसर की कोशिश थी, शॉर्ट पिच रही गेंद और टॉट जाता हुआ। यहाँ एलेक्स सेल्स स्ट्राइक रोटेट हुआ है, अभी अभी लीव किया है। पांच ओवर की शुरुआत बाउंसर से करना चाहते थे लेकिन नहीं, यहाँ पर गेंद नीचे रह रही है। शॉट तेज यॉर्कर एक बार फिर रखेंगे और इस बार जो शॉट खेला है रोकने वाला कोई नहीं, चार रन जाएगा। पहला बाउंड्री यहाँ था, वो पांच ओवर लगे, ब्रेक के साथ शुरुआत होगी। यहाँ पर बीट बहुत अच्छा कह रहा है, बहुत अच्छा बीट। बाउंड्री होगी क्या होगा देखना होगा। यहाँ वाइड रखी है गेंद, कराना चाहे टॉप स्पिन, बाउंस होगी पिच खा के फिर से गैप। ये क्या प्लेयर जल्दी चले गए, क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया। यहाँ पर फील्डर ने कुछ जल्दी रिस्पांस दे दिया, जो भी हो नहीं रोक पाए, लेकिन चौका मिला है यहाँ पे चार्ल्स को। हमने लीग्स टीमें ले तो लिए लेकिन इतने भी खास गेंदबाज नहीं, तेज गेंदबाज की पिच लग रही है। अब स्पिनर को हटाने का फैसला ले लिया है लगभग हमने और अगले ही बार शायद हटा लेंगे। इम्पैक्ट ऑफ साइड में है, नॉट आउट देंगे एम्पायर। कल के मैच में लगभग 30 से 40 बार ऐसे मौके बने थे, फिर से मिस हुए। इस बार मध्यम गति से स्पीड रखी है, स्ट्रेट शॉट गैप में गया है, बल्ले के और गेंद की स्पीड को नहीं, यहां पर बाउंड्री बटोरी ली है। एक बार फिर से तेज आउट स्विंग, बल्ले पे लगा है, गैप में गया है और बाउंड्री आसानी से मिलेगी। यहाँ पर सारी निगाह इस समय हसन अली के बॉलिंग पे है, इनसाइड एड लगता हुआ। कल के दिन भुवनेश्वर कुमार में भी यही हुआ था, बहुत एड लगे थे। मौकों से नहीं जीतने वाले भाई, यहाँ पे आउट ही करना पड़ेगा। फिर से देखिए पैरों पे जाके लगी है लेकिन विकेट मिसिंग है। मध्यम गति से ऑफ कटर डाला है, खेलने की कोशिश की है, किनारा लगा इस बार भी किरण पोलार्ड। पिछला ओवर कुछ खास नहीं था और इस बार भी शुरुआत खराब ही हुई है। यॉर्कर से परेशान तो किया है बहुत है लेकिन विकेट नहीं ले पाए, जो मेन चीज है नहीं रोक पाए, झुक नहीं पाए कमर से, चौका मिलता हुआ यहाँ पर बल्लेबाज खुश। यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर कार्ड पे रन बन चुके हैं, अपील का कोई मतलब ही नहीं है पर करके देखने में क्या जाता है। नॉट आउट है, विकेट मिसिंग है, लेग स्टंप पे गेंद है, बच गए इस बार भी। बहुत ज्यादा निराश होंगे अपनी अच्छी गेंदबाजी के बावजूद। देखिए फिर से बीट, इतने मौके किसी गेम में फिर से है, जो इस बार वन हैंड वन बाउंस पहुंची है गेंद। स्लोअर शॉर्ट पिच गेंद की और अब मौका
अरे अरे नहीं यार, नहीं, ये क्या ड्रॉप हुआ, गलती से बी बटन दब गई और गेंद बहुत तेज भी आई। ये हमारा शायद दूसरा या तीसरा कैच ड्रॉप होगा, अभी तक हम कितने मैच खेल चुके हैं। इस बार मध्यम गति से गेंद रखी है, शॉट गया है बहुत बढ़िया, पहली बाउंड्री गुल की ओवर में। तेज गेंदबाजों की पिच लग रही है, मीडियम पेसर भी काम नहीं कर रहे, स्पिनर भी काम नहीं कर रहे इस वक्त। इस ओवर में विकेट लेना होगा, बैट एंड पैड है, बैट एंड पैड है। जा रहे तेज यॉर्कर के लिए, ये एज लेके चौके की तरफ चले गए, 50 तो क्रॉस कर गए थे, 54 पे पहुंच गए। सेम लाइन स्लोवर गेंद से, ये भी बीट। यार क्या करूं मैं भाई, बहुत तुम्हारी हालत है, मेरी और खराब हालत है यहाँ पर। और फिर मिडल स्टंप पे रखा है स्लोवर गेंद इस बार, अरे रे थोड़े के लिए विकेट मिसिंग है, नो डाउट दिया एम्पायर। जान एक बार फिर स्लोवर गेंद के साथ, इस बार भी एज लगा है, अब क्या करें हम तो, आप ही बताओ यार। कोशिश है तेज यॉर्कर की ऑफ साइड में, एज इनके में भी लगना चालू है। ये क्या है, आउट है, क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आया मुझे जी। नहीं यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, फील्डर को दिखाया गया खाली। मदद लिए शॉर्ट पिच बाउंसर की, एज लेके कीपर दौड़ रहे हैं आगे की तरफ, ऐसा नहीं कि जंप करके पकड़ने की कोशिश करें। पिछला ओवर हसन अली का, बैट्समैनों ने जिस तरह से खेला है दिखा दिया है कि भाई अब उनको भी मौके नहीं मिलने वाले हैं। अभी के लिए ड्रिंक्स आता हूँ, क्राउड शांत है एकदम, हसन अली और किरण पोलार्ड पीते हुए ड्रिंक्स, गुल यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए। और अब अगर मिस किया तो भाई छोड़ देना क्रिकेट, अपील तो करना बनता है यहाँ पर। आउट दिया एम्पायर ने, एज लगा था, गुल के नाम आया विकेट, मीडियम पेसर ने विकेट निकाला है, नॉर्मल आउटिंग गेंद थी, बाहर की गेंद को टच करने गए थे और आउट हुए यहाँ पे, आउट हुए। आखिर में 61 रन बनाकर 15 ओवर पूरा करने के बाद ड्रिंक्स में पी के आउट हुए, विकेट आए गुल के नाम, डैरेन समी, पता नहीं कैसे डैरेन समी यहाँ पर विकेट कीपर, ये दूसरे हो गए समी शायद, पर जो भी है 62 रन करने पहली इनिंग में, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल लग रहा है स्कोर। पेशावर के प्राइड स्टेडियम में मैच चल रहा है ये। किरण पोलार्ड, डैरेन समी यहाँ पर आते हुए, अब ये डैरेन समी है कि देखना होगा, जेसन होल्डर, वेस्ट इंडीज का मैच हो गया भाई ये तो, क्लब मैच, लोकल मैच हो गया, सीपीएल का मैच कह दो। किरण पोलार्ड पहली गेंद और पहला ही शॉट, ग्राउंड बड़ा होगा, ओ थोड़े के लिए रह गया ये, वार्निंग भी है। पिछली गेंद पे बाल बाल रन आउट होते बचे, ये नो बॉल है और दो रन नहीं, चौका मिला है यहाँ पे। हमारी भी शुरुआत खराब नहीं हुई यार, बॉल है, बाउंड्री मिला है, पहला क्लोज गेन आता हुआ यहाँ पे। बहुत दुखी यहाँ पर ट्रिनिडाड के खिलाड़ी। लेग स्टंप पे गेंद आएगा तो जरूर मारेंगे, और इस बार तो जो शॉट मारा है लग रहा है 120-130 अब जाएगा ऊंचा सिक्स, 133 मीटर लंबा छक्का यहाँ पे, बहुत बढ़िया बैटिंग। लेग स्टंप पे गेंद अगर आता है तो हम तो खेलेंगे भाई, यहाँ पर कीपर ने मिस किया है और बाउंड्री मिलेगी यहाँ पर। अचानक से साइड में परिवर्तन किया गया है और अभी के लिए हमने बढ़िया हुक शॉट लगाया, लेग स्टंप पे गेंद आएगी तो भाई बल्ला मेरा अग्रेसिव शॉट के लिए रेडी है। बहुत ही बढ़िया बाउंड्री यहाँ पर समी के नाम। पोलार्ड के लिए अभी भी गैप, और उनको आप गैप दोगे तो भाई बहुत गंदा मारेंगे, सिक्स जाएगा ये भी, 23 मीटर लंबा छक्का। पोलार्ड के लिए गैप क्यों नहीं है मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, आपको पोलार्ड के लिए डीप में रखना चाहिए प्लेयर, बल्कि समी के लिए अंदर रखना चाहिए, लेकिन है उल्टा यहाँ पर। बाउंड्री बटोरी, एक बार फिर से यहाँ पे गेंद आया है, इस बार साइड से शॉट लगाने दिख भी नहीं रहा, पीला पीला सब कुछ है, नो बॉल भी है यहाँ पे, और 50 की पार्टनरशिप पूरी होती हुई यहाँ पे। और अचानक से यहाँ पर समी के भी बैटिंग में फील्डिंग चेंज किया गया है थोड़ा बहुत, अब मैं लगता है टाइमिंग को समझा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं होना चाहूँ। यहाँ पर होल्डर लेलर का बराबर से ले लिया यहाँ पर, अरे नहीं 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 ले लिया लेलर का, फिर क्या हुआ है समझ नहीं आ रहा, सिक्स किया है, वापस से ऑफ स्टंप ओपन किया है और शॉट बहुत बेहतरीन, ओके टाइमिंग है, लेकिन टाइमिंग उतना सही नहीं है, बाउंड ग्राउंड बड़ा है लेकिन बाउंड्री ढूंढ लेंगे हम लोग। ट्राइडेंट्स के लिए जालमी बहुत जालिम साबित हुए, गलती से मैंने ट्रिनिडाड भी बोल दिया था बीच में, ट्राइडेंट्स नाम है टीम का। सिक्स 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 जाता हुआ यहाँ, लेलर एक बार फिर
और इस बार थोड़ा सा फ्लैट रहा है शॉट, लेकिन गैप आप दे रहे हो भाई किरण पोलार्ड को, क्यों दे रहे हो मेरे समझ के बाहर। बाउंड्री एक और, फाइनली फील्डिंग में बदलाव देखने को मिला है और उसका भी हम लोग फिर भी फायदा उठाएंगे। दो रन यहां पूरा करेंगे और इसी के साथ किरण पोलार्ड की एक शानदार 50 पूरी हुई है यहां पे। हम चाहेंगे और बड़े रन करें, काफी खुश, 19 गेंदों में 50 रन किए यहां पे, तेज और खतरनाक पार। स्टंप से अगर दूर आएगी गेंद तो अग्रेसिव खेलेंगे हम लोग, और वही किया इस बार यहां पर किरण पोलार्ड का सिक्स। एक और किरण पोलार्ड मिस हुए हैं, ललचाए थे थोड़ा, दुखी यहां पर ट्राइडेंट से खिलाड़ी। जहां तक मुझे याद आ रहा है ये पहली सेंचुरी पार्टनरशिप हुई है हमारी। बटोरा एक रन, नौ बॉल भी है यहां पे। शमी के लिए अभी भी यहां पर डिफेंसिव फील्डिंग सेटअप ही है, बच गए। वाइड गेंद दिया यहां पे वॉर्निंग के साथ, लेग स्टंप पे गेंद का इंतजार हो रहा है और अभी के लिए रिस्क वाला शॉट। यही पूरी प्लानिंग से आउट किया इनको, लगातार ऑफ स्टंप पे गेंद खिला रहे थे। मुझे भी थोड़ा तो शक हुआ था लेकिन टाइमिंग इतनी खराब होगी ये नहीं सोचा था। उसके टाइमिंग से खेला था, निकल सकती थी गेंद, अब नहीं निकली, शायद ज्यादा दूरी पे खेलनी थी, जो भी है। अभी के लिए आउट हुए हैं, अच्छी इनिंग यहाँ पर पोलार्ड और शमी की, अच्छी शुरुआत। अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस हमारा पहली इनिंग का निकल गया है पेशावर जालनी के साथ। वो भी 67 किरण पोलार्ड आउट जरूर हुए लेकिन दिल जीत के गए। शमी यहाँ पर नॉट आउट रहे हैं, शमी बढ़िया साथ दिया और तेज भी खेला है, विकेट मिला होल्डर को। एलेक्स हेल्स और साथ देंगे यहाँ पर ट्राइडेंट्स के खिलाड़ी उनका, चार्ल्स हसन अली यहाँ पर गेंदबाजी में, और रुकना होगा इनको पहली इनिंग में ही। 51 की लीड है अभी यहाँ पर, और ये चीज तो होने वाली है भाई। 51 की लीड लेके बैठे हैं हम लोग तो अपोनेंट तो पीटे गए हमको। मन में ये गांठ बांध लो कि पिटाई होगी अगर गेंद नेक्स्ट स्टंप पे आएगी तब तो पिटना ही है। दो बाउंड्रिया बैक टू बैक, किरण पोलार्ड यहाँ पर स्टैंडर्ड यॉर्कर और बाउंड्री बटोरेंगे यहाँ पे चार्ल्स। पहली गेंद पे इन्होंने भी चौका लगा दिया है। इस वक्त ऐसा लग रहा है साइड चेंज करनी थी, गलती कर दी मैंने। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, रोकना नामुमकिन, चौका लगा पहली गेंद पे। इस बार जा रहे हैं यहाँ पर आम बॉल के साथ, बड़ा शॉट देखने को मिला है ऑफ स्टंप के ऊपर से, लॉन्ग ऑन पे चार रन मिलेगा यहाँ पर। अटैकिंग गेंदबाजी में ये रिस्क तो रहता है, या तो पड़ेगी आपको, अरे बाप रे ये गेंद तो बहुत ज्यादा ऊंची गई है लेकिन दूरी ज्यादा नहीं तय कर पा, एफर्ट गेंद यहाँ पर, इस पर भी चौका यार स्पिनर को। मैं क्या कहूँ किसको, दोषी भी समझ नहीं आ रहा। बाउंड्री मिली अभी के लिए, पिछली बार विकेट नहीं ले पाए, इस बार मैं चाहता हूँ ले विकेट। बहुत बढ़िया गेंद लेकिन चीपर यहाँ पे, क्या कर रहा है शमी, शमी यार चार रन एक्स्ट्रा। स्लोअर रखिए, पहली गेंद खेल रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज, स्ट्रेट शॉट, चौका लगेगा। 10 की दूरी सिर्फ और सिर्फ 10 की दूरी रह गई। अब तेज यॉर्कर इस बार, और इस बार और बड़ा शॉट खेला, ये जाएगा वन बाउंस बाउंड्री, 6 की दूरी रह गई अब से। समीन गुल यहाँ पे मीडियम पेसर, पहली गेंद पे बीट, बहुत बढ़िया एंगल, पिछली इनिंग में विकेट निकाला था, इस बार भी ले तो मजा आएगा। दो गेंदे बीट बैक टू बैक यहाँ पे, बहुत अच्छे। अचानक से यॉर्कर रखने का प्लान है लेकिन इसे पढ़ लिया था, अब सिर्फ एक रन की दूरी रह गई है लीड उतारने से। एक रन करेंगे बराबरी पे आ जाएगा स्कोर और फिर लीड हद पे चढ़ेगी। पार्टनरशिप या 50 की पूरी, बहुत बढ़िया शुरुआत इस बार ट्राइडेंट्स के। कीपर को आगे बुलाया गया यहाँ पे, बच गए फिर से बल्लेबाज। गेंदे तो बहुत बीट करा ली, विकेट ले तो मतलब है। ये लीजिए लीड खत्म यहाँ पर, लीड यहाँ पे खत्म, हम पे चढ़नी चालू हो गई अब तो। सबसे ज्यादा हसन अली ने निराश किया आज के दिन, सबसे ज्यादा निराश किया। एक और बाउंड्री खाएंगे, ये 3 की लीड थी, 7 की लीड हम पे हो गई। अब गलती कहाँ हुई है ये समझ में अभी भी नहीं आ रहा। पैरों पे लगी है लेकिन बैट एंड पैड लग रहा है तो नॉट आउट ही होंगे। इस बार रखिए शॉर्ट पिच गेंद जो कि स्लो होगी, लेकिन गैप इतना बढ़िया ढूंढा है एलेक्स हेल्स ने कि बाउंड्री मिलेगी। हसन अली को वापसी करनी होगी यहाँ पर, अभी के लिए इन्होंने ट्राइडेंट्स को वापसी करा दी। एक और बाउंड्री यहाँ पे, हैट्रिक लग चुकी है यहाँ पे शायद। इससे पहली इनिंग में हम इंतजार करते हैं अली की गेंदबाजी का, अभी इंतजार करते हैं इनकी ओवर जल्दी खत्म हो। एक और बाउंड्री, 5-4 बाउंड्रिया इस ओवर से। हेल्स पहली बार सामना करेंगे यहाँ पर गुल का इस इनिंग में, तो पहला शॉर्ट साइड से बिल्कुल भी नहीं खेल पाए हैं। स्लिप तैनात किया गया इस बार, बाहर निकलेगी गेंद लेकिन इसे पढ़ लिया था, अग्रेसिव शॉट के साथ गए हैं। प्लेयर डीप पे मौजूद जरूर है लेकिन पकड़ नहीं रहा है वो।
पिछली इनिंग में पिछली बार चार्ल्स थोड़े से कंफ्यूज लगे थे, अभी भी कंफ्यूज लग रहे हैं। विकेट लेना होगा इनका, मुझे लग रहा है इनका विकेट हम ले सकते हैं। फिर से पैरों पे लगी, लेकिन यार विकेट मिसिंग है, इंपैक्ट ऑफ साइड है, क्या करें हम। मदद लिए फुल लेंथ गेंद की जो अंदर की तरफ आएगा, लेकिन यहाँ पर भी बीट हुए, कीपर को अपनाना तो रह गया है वो, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ लगता है गुल के सामने ही नहीं मार पा रहे ये लोग, बाकी सबकी पिटाई कर रहे हैं। पहली गेंद चार रन, हेल्स इस वक्त 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, और एक और बड़ा शॉट, कोई कमी नहीं है गेंदबाजी में, लेकिन बहुत बढ़िया खेल रहे हैं बल्लेबाज। स्ट्राइक रोटेट हुआ है यहाँ पर, बहुत बढ़िया बाउंसर, खेलने की कोशिश की वो भी बड़ी बात है, बॉन्डिंग यहाँ पे मिलेगी। तेज बाउंसर के बाद तेज यॉर्कर, और नॉट आउट है। सोच यार, एक और अगली गेंद, पिछली बार मौका बना था लेकिन हम लोग उसका फायदा नहीं उठा पाए थे, शायद आउट है। ये क्या कर रहा है, 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 चार रन दिया इसने, फिल्डर ने चार रन दिया। शॉर्ट पिच गेंद यहाँ पर, और अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, बाउंड्री यहाँ पे। अगली गेंद स्लोअर ही और कर रखी है, लेकिन एज जरूर लगा है यहाँ पर, लेकिन बाउंड्री मिल रही है उसका, क्या 48 की लीड हो चुकी है इस वक्त, एक रन बना हमारे लिए मुश्किल होता है यहाँ पर, 50 के ऊपर की लीड जा चुकी है यहाँ पर। एक और बाउंड्री, सेम शॉट, इस बार तो खेला है, और जॉनसन चार्ल्स यहाँ पे 53, अकेले इन्हीं की लीड भारी पड़ गई हम पे लग रहा है। शॉर्ट पिच गेंद की मदद, खेलने की कोशिश नाकामयाब, वाइड गेंद है लेकिन इसलिए नाकामयाब हुए। पहली इनिंग में भी एक तरफ से खराब गेंदबाजी हो रही थी, यहाँ पर भी एक तरफ से खराब गेंदबाजी हो रही है, या तो कह सकते हैं कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है पेशावर का। गुल अच्छी कर रहे हैं, और यहाँ पर एलेक्स हेल्स ने भी ज्वाइन किया है चार्ल्स को, 50 का स्कोर, नॉट आउट। तेज यॉर्कर एक बार फिर करना चाहेंगे, और इतनी आसानी से पढ़ ले रहे हैं गेंद को, यकीन नहीं हो रहा मुझे, चौका मिला है यहाँ पे फिर से, दिन की पहली, इस इनिंग की पहली इनिंग गेंद, लेकिन उस पर भी यहाँ पर अरे रे चौका लगा, नॉर्मल स्पीड गेंद, यॉर्कर लेंथ गेंद, और ये तो भाई साहब रगड़ती हुई घास को छीलती हुई चार रन जा रही है। ये कहते हैं रिवेंज, हमने पीटा तो इन्होंने इन्होंने हमको और पीटा, इनको हमसे डबल, हमारी डबल धुलाई हो गई यहाँ पे, याद रखना ये बात। कैच का मौका, लेकिन क्या हुआ है कुछ समझ नहीं आया मेरे को, क्या हुआ, इतना क्लोज था कुछ समझ में ही नहीं आया, अपने आप हट भी गया। गेंद पे मौका था शायद, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे मौके का पूरा फायदा इस बार उठाएंगे ट्राइडेंट्स। बाउंड्री, तेज यॉर्कर की कोशिश है, अपील करेंगे लेकिन चांसेस कम है, लेग स्टंप पे रही है गेंद। शॉर्ट पिच गेंद यहाँ पे, और कीपर भाई साहब हमारे पता नहीं क्या कर रहे, क्या नशा करके हैं भगवान जाने। वाइड दिया है, बाउंसर वार्निंग, गए स्लोअर यॉर्कर के साथ, पिटने के चांसेस लग रहे हैं ज्यादा, और वही हुआ है यहाँ पे, स्ट्रेट शॉट, चार रनों के लिए जाएगा यहाँ पे, 86 की लीड। शायद दो मौके बने थे क्लोज, एक लेग बिफोर विकेट का बहुत क्लोज था, यहाँ पर भी बचे, और एक कैच का मौका था। अभी के लिए बार बार उसके प्लेयर मिसफील्डिंग में भी रन बटोर रहे हैं, यहाँ पे नॉट आउट, लेकिन स्लाइड किया है गेंद को, और बड़ा पावरफुल हिटिंग शॉट है ये, प्लेयर के ना होने के बावजूद यहाँ पे चौका बटोरा है। पिछली बार लेग ब्रेक पे बीट कराया था, इस बार भी यहाँ पर आउट, खुशी मना रहे हैं यहाँ पर, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, भाई किस्मत से मिला है विकेट ये, स्पिनर को लाए हम लोग, लेकिन यहाँ पर DRS की मदद ली है, हमारी सारी खुशी दुख में बदल जाएगी। नहीं ये लगा तो है यार, लेकिन इतना क्लोज है ना यार, बता नहीं सकता मैं, अरे बाप रे, ये जहाँ से हाथ जुड़ता है ना, कलाई का हिस्सा थोड़ा सा वो टच हुआ लग रहा है, पता नहीं यार वो हिस्से को आउट देते हैं कि नहीं, तो बहुत ज्यादा क्लोज, मतलब ग्लव्स के नीचे का हिस्सा लगा, ये बहुत कॉन्ट्रोवर्सियल डिसीजन होगा यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सियल डिसीजन में से एक होगा ये, और ऊपर से उनके सर की खोपड़ियां में जाके लगी गेंद टकराई है, फिर हाथों पे आगे गिरी है, फिर जाके कीपर ने पकड़ाई ये गेंद, अरे बाप रे आउट दे दे यार, बहुत खुशी मना दी हमने, कीपर ने भी बहुत खुशी मनाई है, लेकिन क्या यहाँ पर आउट होंगे वो देखना बहुत जरूरी है। रिप्ले में तो बहुत कुछ देखा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अब वही डाउट है कि शायद ग्लव्स के हिस्से का जो कवर होता है, जो जॉइंट होता है, वहाँ जाके लगी है,
ग्लव्स पे नहीं लगी है। मैं ये बात कहना चाहूंगा, ये गेंद ग्लव्स पे नहीं लगी है, नियम के हिसाब से ग्लव्स पे नहीं लगी, ग्लव्स यहाँ पे हम बांधते हैं वहां पे लगी, लेकिन आउट दिया है, अच्छी बात है हमारे लिए। ये चेज अगर हम कर लेते हैं, सबसे बड़ा हमारा रन चेज हुआ, 142 मारे हमने पहली इनिंग में, आई बारबाडोस आराम से खेली, 15 ओवर के बाद आउट हुई, ज्यादा रन भी नहीं बने थे। सेकंड इनिंग में जब आए हम लोग, यानी इस मैच की सेकंड इनिंग में हमने भरपूर पीटा बैट्समैनों को, इतना पीटा कि मजा आ गया, संतुष्ट हो गए हम लोग। लेकिन थर्ड इनिंग और बारबाडोस की सेकंड इनिंग में उन्होंने हमको उससे डबल पीटा है, 14 के एवरेज से बनाए लगभग 142 रन, अंत में आउट हुए, वो भी किस्मत ने आउट कराया उनको। एक बड़े टारगेट का पीछा करेंगे यहाँ पर, और अगर कर लेते हैं तो सबसे बड़ा रन चेज होगा हमारा इस टूर्नामेंट का। जेसन होल्डर को रोकना है इनको, एक ही टारगेट 92 को चेज करना है, और शुरुआत हो चुकी है चेज की। यहाँ पर बाउंड्री लगी है पहले हमारी, पहली गेंद पे बाई के रन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रन है भाई, रन चेज में रन। पिछली बार जैसा खेला था बस वैसा ही खेलना है। अरे रे, डर तो लगता ही है भाई, यहाँ पे गेंद जब भी हवा में जाती है डर तो लगता है 2 मिनट के लिए। ओके टाइमिंग था, पिछली बार ओके टाइमिंग इतनी दूरी पे नहीं गया था, नहीं तो चौका जा जाता। थोड़ा सा गेंद रुक के आ रहा है, संभल के खेलना होगा। ओके टाइमिंग लगा है भाई, नहीं यार, सेशन ब्रेक हुआ था, उसके बाद से आप देख सकते हैं मौसम बदल चुका है, पिच बदल चुकी है, हमने अग्रेसिव रुख ही अपनाया था क्योंकि पता था वही सफलता दिला सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बारबाडोस ट्राइडेंट्स ने ये मैच 79 रनों से जीता है, फाइट बैक हमने दी लेकिन इतनी फाइट बैक नहीं दी कि मैच जीत पाए। लंबा मैच जीत सकते थे, लेकिन फिर वही बात आती कि अपना नेचुरल गेम मुझे छोड़ना पड़ता, डिफेंसिव खेलना पड़ता, वो मैंने नहीं किया, पर एक बात है कि भाई करना पड़ेगा, डिफेंसिव रुख अपनाना पड़ेगा। मैन ऑफ द मैच जॉनसन चांस बनते हुए ओवरऑल सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं उन्होंने इस मैच में, और एक और हार हमारे किस्मत में है, पेशावर की अनफॉर्चुनेटली हैट्रिक नहीं लग पाई। टेबल आपके सामने और ट्राइडेंट्स की लेकिन लग चुकी है, नहीं इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया कि ट्राइडेंट्स के पास भी मौका है, ट्राइडेंट्स भी हैट्रिक लगा सकता था और लगाया है जीत की हैट्रिक, मतलब दोनों में से किसी एक की हैट्रिक लगने वाली थी। पेशावर नंबर 3 पे बनी हुई है, अभी भी ज्यादा कुछ खोया नहीं है। वॉरियर्स नंबर 4 जीत की हैट्रिक लगा सकती है, अमेजन वॉरियर्स भी लगा सकती है जो कि नंबर 6 पे है। उधर बल्लेबाजी पे नजर करें कि सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तमीम इकबाल और नामुल हक टॉप पे बने हुए हैं। मार्कस चाइन नंबर 3, बेन डंग नंबर 4 और किरण पोलार्ड यहां पर नंबर 5 पे हैं। विकेट के मामले में भुवनेश्वर कुमार बनाए रखे हैं अपनी जगह। अब यहाँ पे नंबर 2 पे वापसी हुई है, वापसी नहीं कहूंगा, नंबर 2 पे यहाँ पर एंट्री हुई है जेसन होल्डर की बारबाडोस के। हरविंद सिंह नंबर 3 सीएसके, पैट ब्राउन वॉरसेशायर नंबर 4, जसप्रीत बुमराह इंडिया के नंबर 5 पे हैं। और अब सिर्फ एक ही मैच बाकी रह गया राउंड 3 का, क्वेटा ग्लेडिएटर्स और अमेजन वॉरियर्स का मैच यहाँ पर, और जो भी टीम यहाँ पर जीतेगी वो यहाँ पर हेल्पफुल रहेगी, खास करके अमेजन वॉरियर्स यहाँ पर टॉप 4 में एंट्री ले सकता है चाहे तो, अगर जीतता है तो। क्वेटा तो नहीं आ पाएगी लेकिन अमेजन आ सकता है, देखते हैं क्या होता है। कल के दिन भिड़ेंगी एक बार फिर यहाँ पे पीएसएल वर्सेस सीपीएल की टीम है, आज के दिन तो पीएसएल जीत गई लेकिन कल के दिन क्या होगा वो कल ही पता लगेगा। अभी के लिए लेना होगा इस वीडियो में आपसे विदा, और जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोज और चैनल को देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।